सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई? तो यार, मेरा टेस्ट आने वाला है ऑन दिस मंडे, मेरा टेस्ट है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और ये सिलेबस लिख रहा हूँ, प्लस मुझे क्या क्या कवर करना है वो सब लिख रहा हूँ अबाउट द टेस्ट। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एज यू गाइस प्रोबेबली नो दैट आई हैव टेकन अ ड्रॉप और मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया है इस टाइम, और ये मेरा फर्स्ट माइनर टेस्ट होगा। इसमें मेंस का भी सिलेबस है, मतलब मेंस पैटर्न पे भी एक टेस्ट होगा, प्लस एक एडवांस पैटर्न पे भी होगा। तो वील सी अबाउट दैट क्या होता है। और इसमें मेरा सिलेबस आ रहा है मोल कंसेप्ट, रिडॉक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तो लिटरली अभी 2 दिन में ख़त्म करा है, और सीक्वेंस एंड सीरीज़ वो भी कल ही ख़त्म हुआ है। तो मुझे रिडॉक्स के थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं। रिडॉक्स के मैंने कर लिए हैं ऑलरेडी, बट मुझे और करने हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं। प्लस अभी PYQs तो मैंने करे नहीं है, इवन दो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेंस के PYQs तो शायद मैं ना करूँ अभी राइट नाउ टेस्ट से पहले, क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं। लिटरली मेरे पास सिर्फ सैटरडे और संडे का दिन है फॉर डूइंग दिस, और काफ़ी सारे चैप्टर हैं। तो एडवांस्ड के तो कर ही लूँगा एटलीस्ट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि JEE का रिज़ल्ट आ चुका है, और अगर आपका रिज़ल्ट आपके हिसाब से नहीं आया है तो ये टाइम है थोड़ी और मेहनत करने का। PW आपके लिए बहुत अच्छे बैचेस के ऑफर लेके आया है। अर्जुना JEE 2.0 2025 फॉर 4500, लक्ष्य JEE 2.0 2025 फॉर 4500, प्रयास JEE 2.0 2025 फॉर 4199, अर्जुना JEE हिंदी 2025 फॉर 3000, लक्ष्य JEE हिंदी 2025 फॉर 3000, प्रयास JEE हिंदी 2025 फॉर 3000। PW इज़ गिविंग यू फ्री एक्सेस टू अर्जुना 1.0 2024 एंड अर्जुना 2.0 2024 व्हेन यू बाय लक्ष्य JEE 2025। यू विल गेट प्रयास 1.0 2024 हिंदी इफ़ यू बाय लक्ष्य JEE हिंदी 2025, प्लस एवरी बैच इज़ अवेलेबल सेपरेटली इन हिंदी एज वेल। दिस बैच ऑफर्स यू इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो आपको बनाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में बिल्कुल परफेक्ट। ऑल्सो DPPs मिलेंगी विद देयर वीडियो सोल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट। PDF नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी अपलोडेड ऑन PW ऐप। शेड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर। यू कैन ऑल्सो यूज JEE बुक्स अवेलेबल ऑन PW स्टोर, एंड बुक्स के लिए PW स्टोर पर भी ऑफर चल रहा है, यू कैन चेक आउट देयर। सो PW हैज गॉट यू कवर्ड विद देयर बैचेस। यूज माई कूपन कोड ऑन द स्क्रीन टू गेट एडिशनल 50 rupees ऑफ। सो गो चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू सी ऑल द बैचेस। तो अभी तक मेरे 2 रिवीजन टेस्ट हो चुके हैं, और ये माइनर टेस्ट नहीं है, मतलब माइनर टेस्ट अलग होता है, ये तो क्लास टीचर ही बनाते हैं पेपर। इसमें से मैंने एक टेस्ट दिया था, दूसरे टेस्ट में मुझे डॉक्टर के पास जाना था तो मैं दे नहीं पाया था। तो और उसका रिज़ल्ट उन्होंने अभी तक दिया ही नहीं है, उन्होंने बस आंसर की दे दी, और मैं इतना स्टूपिड हूँ कि मैंने उसमें अपनी बुकलेट में मार्क करा ही नहीं था, वो मैंने सिर्फ सीधा आंसर भर दिए थे और सब ने मार्क कर रखे थे, उन्होंने अपने मार्क्स देख लिए। अब मैं या तो उनसे जाके अपनी OMR शीट लूँगा कि मुझे दे दो, मैं मार्क कर लेता हूँ अपनी बुकलेट में आंसर जो मैंने भरे हैं, क्योंकि आई नीड टू नो द रिज़ल्ट मेरा कैसा गया। तो हाँ, शायद आज मैं जाऊँ और देखूँ। बाकी everything's been great। हाँ, ओवरऑल मैंने काइनेमेटिक्स 2D के क्वेश्चंस कर लिए। बाय द टाइम आई मेड दिस वीडियो मैंने 2D के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों कर लिए। अब बस एडवांस के PYQs कर लूँगा, मेंस के फॉर नाउ स्किप कर दूँगा, और वो भी करने हैं, वो भी करूँगा ज़रूर, पर अभी नहीं क्योंकि टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 5-6 PYQs एडवांस के बुकलेट में, मॉड्यूल में, तो वो कर लूँगा टेस्ट से पहले। और आप लोग ऐसा मत समझना कि मेरी कुछ तैयारी नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ लिख दिया वहाँ पे। सिर्फ पीरियोडिक टेबल और सीक्वेंस एंड सीरीज है जो कि मुझे सैटरडे संडे में कवर करना है, क्योंकि वो अभी ख़त्म हुए हैं चैप्टर्स। बाकी तो मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करे ही हुए हैं, बस हाँ वही है कि लाइक 100% क्वेश्चंस नहीं करे हुए, 80% करे हुए हैं सबके क्वेश्चंस। तो जितना टाइम मिलेगा वो कर लूँगा। उसके PYQs वाला पार्ट ही है थोड़ा सा जो रह रहा है, क्योंकि वो मैंने सोचा था कि टेस्ट से पहले रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा, तो PYQs अभी नहीं करता, और आलस भी था थोड़ा सा वेल, बट हाँ अब इट्स बाइटिंग मी बैक। तो हाँ, लेट्स सी क्या होता है, आई लेट यू नो मेरे टेस्ट का रिजल्ट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।